अपनी पसंद का घर बनवाना हर किसी के जीवन की बड़ी चाहत होती है। इसके लिए वह उसकी दीवारों पर तरह तरह के रंग रोगन भी करवाता है। कहा जाता है कि वास्तु के मुताबिक घर पर रंग करवाने से उसमें सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है और परिवार में खुशहाली आती है। अगर आप भी नया घर बनवा रहे हैं या पुराने घर का रंग रोगन का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए किस तरह का रंग करवाना उचित रहेगा? वास्तु के अनुसार घर में कमरों के रंग के लिए हल्के नीले रंग को सही माना गया है। आपके मकान की पश्चिम दिशा की दीवार पर भी यह रंग करवा सकते हैं। ध्यान रखें, नीले गाढ़े रंग का इस्तेमाल ना करें, बल्कि यह आसमानी नीला रंग हो। घर के उत्तरी हिस्से को जल से संबंधित माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप उत्तरी दिशा की दीवारों पर वास्तु अनुसार पिस्ता या हरे रंग का पेंट करवाते हैं, तो इससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है और परिवार पर धन दौलत की बरसात करती है। अगर बेडरूम की बात की जाए तो उसमें आप गुलाबी और आसमानी नीले रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों रंग सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ावा देते हैं और घर में रौनक रहती है। वास्तु के मुताबिक घर की दक्षिण पूर्व दिशा की दीवार पर पीले, गुलाबी या केसरिया रंग से पेंट करवाना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यह दिशा अग्नि से संबंधित होती है, इसलिए इस दिशा में अग्नि से जुड़े रंगों का ही पेंट करवाया जाना चाहिए। घर के मंदिर में हल्के गुलाबी रंग, हल्के पीले, सफेद या आसमानी नीले रंग करवाकर बेहतर माना गया है। वहीं मकान की छत के लिए सफेद सबसे अच्छा रंग माना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।